वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड, और मैं हूं आपका फ्रेंड अभय। और आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं निबोस पेपर वन आईजीसी वन एलिमेंट वन फाउंडेशन इन हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इसमें हम लोग आज जानेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी का जो नेचर है वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होता है, बैरियर टू गुड स्टैंडर्ड्स एंड कुछ डिफिनेशन जो कि हम लोग इस पूरे आगे के लेक्चर्स में यूज करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी का जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है वो क्या होता है। तो मल्टी माने बहुत डिसिप्लिनरी, बहुत तरह के सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए अगर आपको हेल्थ एंड सेफ्टी में काम करना है। तो अनेक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, अनेक सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो कौन कौन सा वो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से वो डिसिप्लिन है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर नीड टू बी फैमिलियर विथ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। इसका ये तीनों का नॉलेज चाहिए अगर हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में काम करना है, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। और साथ में इंजीनियरिंग का नॉलेज चाहिए, साइकोलॉजी का नॉलेज चाहिए, सोशियोलॉजी का नॉलेज चाहिए, और लेजिस्लेशन यानी कि कुछ लॉ वगैरह जिस कंट्री में काम करना है उस कंट्री का कुछ रूल्स वगैरह हैं जो लॉ है उसका नॉलेज चाहिए, और लेजिस्लेशन में स्टैंडर्ड दैट अप्लाई, जो उस कंट्री में स्टैंडर्ड चल रहा है उसको कैसे अप्लाई करें, और स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ऑप्शन। ये सभी विषयों का, ये सभी सब्जेक्ट्स का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। तो केमिस्ट्री के नॉलेज क्यों चाहिए, तो जैसे कोई केमिकल है उसका क्या इफेक्ट है बॉडी पे, अगर उसका क्या नेचर है इसको जानने के लिए आपको केमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए। फिजिक्स, फ्रिक्शन है या बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जैसे साउंड है, वाइब्रेशन है, ये सभी जो है फिजिक्स के अंदर आता है। तो फिजिक्स का अगर पास आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आई थिंक यू विल वर्क इन सेफ्टी फील्ड बेस्ट। एंड बायोलॉजी दैट मीन्स अगर बॉडी सिस्टम जैसे कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटिंग सिस्टम, और आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर इन सब चीज़ों के बारे में अच्छा नॉलेज है जैसे बॉडी के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि आप बॉडी पे किसी चीज़ का हेल्थ इफेक्ट क्या होगा और आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो और इंजीनियरिंग जितने भी वो अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो जितने भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं ये इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं, अगर उसका वेल नॉलेज है आपके पास दैट मीन्स यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हजार्ड्स देयर। और साइकोलॉजी अगर मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर्स को आप अच्छे से समझ पाते हो तो आप अच्छे से डील कर पाओगे किसी भी, और समझ पाओगे कि वो कैसा बिहेव करेगा। और सोशियोलॉजी और लेजिस्लेशन मतलब कि लॉ वगैरह, तो दूसरा देखते हैं बैरियर टू गुड स्टैंडर्ड्स। अगर गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी अगर अप्लाई करना है तो क्या क्या बैरियर हो सकता है, तो बैरियर यानी कि बाधा, रुकावट, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी को एज ए बैरियर काम करता है, जैसे कम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क प्लेस। ज़्यादा वर्क प्लेस अगर कम्प्लेक्स है यानी कुछ बहुत सारे हिडन हजार्ड्स हैं जिसको आप बाहर से नहीं देख सकते हो, या प्रोसेस बहुत कम्प्लेक्स है, उसको समझने के लिए उसमें स्पेशलिस्ट होने की ज़रूरत है। तो ऐसे होने से वहाँ पर सेफ्टी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये एक बैरियर है कम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क प्लेस। कन्फ्लिक्टिंग डिमांड, अगर डिमांड बहुत कन्फ्लिक्टिंग है यानी कि आपको कम समय में ज़्यादा जो है प्रोडक्शन देना है, तो उस समय आप हेल्थ एंड सेफ्टी को इग्नोर करोगे और आप जल्दी काम करना चाहोगे, तो टाइम स्केल जो है एक बैरियर है जो कि ये कन्फ्लिक्टिंग डिमांड के अंदर आता है। जैसे कि रिस्ट्रिक्शन है कि वन मंथ के अंदर इतना प्रोडक्शन कर देना है, दैट मीन्स आप जो है बाईपास करोगे सेफ्टी को। स्टैंडर्ड्स है, अगर ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है तो इससे भी, और बजट, अगर हेल्थ एंड सेफ्टी का बजट नहीं है दैट मीन्स इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं हो पाएगा, पीपीज अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो ये जो है बजट भी एक गुड स्टैंडर्ड जो है हेल्थ एंड सेफ्टी का बैरियर है। और बिहेवियरल इशू, जैसा हम चाहते हैं वैसे जो वर्कर्स हैं वो बिहेव नहीं करते,
यानी कि आप अगर इंस्ट्रक्शन देते हो कि आपको हेलमेट पहनने हैं, आपको पीपी यूज़ करने हैं, तो उस तरह से वो उस मैनर में बिहेव ऑलवेज नहीं करता। एक रोबोट के जैसा मैन जो है बिहेव नहीं कर सकता। ह्यूमन बॉडी जो उनका माइंड है वो रोबोट के जैसा नहीं काम कर सकता। तो इस तरह से उनका बिहेवियर जो है एक इशू है, एक बैरियर है गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी में। तो पीपुल फेलिंग टू एक्ट एज डिजायर्ड, जैसा हम चाहते हैं पीपुल वैसा काम नहीं करते हैं, तो ये एक बैरियर है। और मेकिंग मिस्टेक्स, हमेशा गलती करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं तो बैरियर टू गुड स्टैंडर्ड्स हैं। तो देयर आर थ्री बैरियर्स ऑफ गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। पहला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क प्लेस, दूसरा कन्फ्लिक्टिंग डिमांड, और तीसरा बिहेवियरल इशू। तो इसको आप याद रखें, दैट इज गुड फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। अब आइए जानते हैं कुछ डिफिनेशंस, जैसे हेल्थ क्या है। ये तीनों तीन चीज़ें जो हैं हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर, इसके बारे में हमेशा हम ये पूरे जो भी लेक्चर्स नेक्स्ट आने वाले हैं उसमें इसी के बारे में बातें होंगी। हेल्थ क्या है, सेफ्टी क्या है, वेलफेयर क्या है। तो अगर आप इन वर्ड्स को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आई थिंक आपको आगे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हेल्थ का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इल हेल्थ। किसी तरह का डिजीज और इल हेल्थ नहीं हो, आपके पास शरीर में नहीं है, तो आप हेल्दी हो, मतलब कि हेल्थ आपका सही है। तो हेल्थ कहने जैसे ही अगर हेल्थ वर्ड आता है तो आपको समझना है कि डिजीज एब्सेंस है और इल हेल्थ भी एब्सेंस है, यानी कि ना ही उसके पास डिजीज है और ना ही इल हेल्थ है, यानी कि हेल्थ मेंटेन है। और सेफ्टी, सेफ्टी मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्क और सीरियस पर्सनल इंजुरी, यानी कि किसी तरह का सीरियस पर्सनल इंजुरी अगर नहीं है, यानी कि वहाँ पे सेफ्टी मेंटेन है। तो सेफ्टी मतलब रिस्क, एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ सीरियस पर्सनल इंजुरी, यानी किसी तरह का पर्सनल इंजुरी नहीं हो रहा है, यानी कि कट हो गया, बर्न हो गया, इस तरह का ऑन्ड हो गया, एब्रेशन हो गया, इस तरह का कुछ भी अगर नहीं है तो यानी कि सेफ्टी, इसको बोलते हैं सेफ्टी। और वेलफेयर, एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज। तो बेसिक फैसिलिटीज जो है, जैसे कि हमको क्या क्या चाहिए बेसिक फैसिलिटीज में, अगर वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर होना ज़रूरी है, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी होना ज़रूरी है, और वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होना ज़रूरी है, वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ वहाँ पे है, यानी कि ये एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे लेटरिन टॉयलेट्स वगैरह होना चाहिए, तो ये जो है मिनिमम जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको हम लोग वेलफेयर फैसिलिटीज बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आप लोग देखते रहें, इससे आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।